तो जो ये पेशेंट है जब इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे देखते हैं कहीं पे कोई कट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हाथ है, देखो बिल्कुल आशीर्वाद दे सकता है। उंगलियों को मोड़ के दिखा देना, तो ऐसे देखो उंगली को भी मोड़ रहा है, अंगूठे को टच करो, ऐसे सब कुछ तो कर रहा है, कौन सी चीज़ ऐसी नहीं कर रहा है। लेकिन जब इससे पूछते हैं भैया क्या हो गया, क्यों, क्या दिक्कत है, तो पूरी दुनिया क्या बोल रही है, अरे कुछ नहीं है तो ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, दवाई खा लो। और जब मैंने इनको बताया तो इनको ये देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा कट है, ये कट है, इन उंगली को मोड़ने के लिए मोड़ो तो इसमें कोई पावर नहीं है, इसको मोड़ो इसमें कोई पावर नहीं है, इसको मोड़ो इसमें कोई पावर नहीं है, ये उंगलियाँ यहाँ तक आती नहीं है, ये उंगलियाँ यहाँ तक आती नहीं। दैट मीन्स जो मोड़ने की कैपेसिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटी होती है, वो चीज़ इनकी इंजर्ड हो चुकी है सारी, कुछ भी नहीं है। और इनका ऑपरेशन पूरा यहाँ से टक 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 और 8 से 9 महीने लगेंगे, और मेरे ख्याल से मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर ये डे वन पे आता तो मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में ठीक हो जाता, लेकिन आज भी इसको ऑपरेशन 100% कराना है। इनसे पूछते हैं कि ये मेरे से ऑपरेशन क्यों करा रहे हैं, कैसी चोट लगी थी और इतना लेट क्यों हो गया? सर ये लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं पकड़ लेता हूँ वहीं पे बताना तुझे, ये लेट इसलिए हो गया क्योंकि बोलते थे कि डॉक्टर लोग भी बोलते थे कि एक्सरसाइज करते रहो चल जाएगा हाथ, ऐसे 1.5-2 महीना हो गया, फिर मुझे लगा कि नहीं चलेगा, मैंने दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, लेकिन मुझे उनका अच्छा भाव नहीं लगा क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पे मित्तल सर का मुझे दिखाई दिया, तो बस फिर मुझे यहीं आने की लगी, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा सही हो जाएगा बिल्कुल। ये जो कॉन्फिडेंस है बच्चे का, ये 100% इसको सारी पहाड़ पार करवा देगा। अगर ये सारे टाइम मुझसे ये क्वेश्चन पूछता रहता, डॉक्टर साहब कितना ठीक होगा, कब ठीक होगा, डॉक्टर साहब मेरी बहुत मजबूरी है, डॉक्टर साहब समझ नहीं रहे, घर पे मैं ही पाल रहा हूँ सबको, और अपनी सारी मजबूरियाँ बताता रहता, तो मैं क्या सोचता, ये 100% डिप्रेशन में आके अपने हाथ को ख़राब कर देगा। तो हमें कौन सा पेशेंट चाहिए जिस जो 100% श्योर हो जाए कि मेरा काम क्या है और इसका काम क्या है। तो जो मेरा काम है वो मुझे अच्छे से आता है, जो इसका काम है जैसा मैं गाइड करूँगा और वो करेगा तो 99% ठीक होगा। लेकिन जिस पोजीशन में है उससे तो 100% ठीक होगा। अब जो रिस्क है वो है, लेकिन रिस्क ये नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। और दवाइयाँ कितने दिन होंगे? 5 से 6 दिन की, पक्का है? ठीक है, आज ऑपरेशन है, तुम्हारा कोई डर लग रहा है? नहीं सर, कोई डर नहीं लग रहा है। ये सोच रहा है जल्दी कर दो सर, क्यों टाइम लगा रहे हो मेरा? ये हो रहा है कि जल्दी हो जाए, मैं घर चला जाऊँ। पक्का ना? जी श्योर है? जी जी ठीक है। इसका वीडियो बनेगा 8 से 9 महीने बाद, क्या पता उससे पहले भी बना दे, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है जी सर, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121-122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराह, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी, उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल दाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।